चैप्टर फ्लो चार्ट में आज फिर एक नया क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो लॉजिकल होगा। आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले पास इफ द मार्क्स इन मैथ इज अबाउट 35 अदरवाइज डिस्प्ले फेल। यानी कि क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और वो बता रहा है कि आपको पास दिखाना है कब, अगर मैथ में आपका नंबर जो है वो 35 से अबव होगा, यानी 35 जो नंबर मैथ में अगर 35 से ऊपर आएगा तो पास दिखाना है, अदरवाइज फेल। यानी यहाँ दो चीज को आपको डिस्प्ले कराना है लॉजिक में कि ट्रू कब होगा, जब आपका मार्क्स जो है मैथ में 35 से ऊपर होगा तो आपको डिस्प्ले कराना है पास। ये पास है कब कराना है, जब आपका मैथ में 35 से ऊपर नंबर आएगा। अगर सबको तो नंबर नहीं आएगा 35, तो अगर किसी को 35 से बिलो आता है यानी 30 आ गया या 25 आ गया तब उस क्या करेगा, तब डिस्प्ले करेगा फेल। यानी यहाँ दो ऑप्शन है, सही के लिए भी है और गलत के लिए है, तो इसलिए उसका फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट का सिंबल लगाते हैं, ये स्टार्ट हो गया। इनपुट बॉक्स में इनपुट करेंगे, यहाँ देखिए इनपुट लिखे तो क्या इनपुट करेंगे, तो मार्क्स हम किसका है, तो मैथ का है, तो यहाँ लिखिए मार्क्स एम, मैथ का मार्क्स है एम। फिर यहाँ हम यहाँ चूंकि दो हम बनाना है सही और गलत करने के लिए दोनों है, तो यहाँ डिसीजन करेंगे, डिसीजन हमेशा आपको डिसीजन करने के लगाया जाता है, जहाँ ट्रू और फॉल्स होता है वहां पर। ये बॉक्स है हमारा, यहाँ लिखे इस मार्क्स ग्रेटर देन 35, अगर हमारा मार्क्स 35 से अबव होगा तो ये कंडीशन जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं एम मतलब कि मार्क्स हुआ हमारा और ग्रेटर देन 35 से ऊपर अगर आपको मार्क्स आता है या उसके बराबर आप इक्वल भी लगा सकते हैं 35 से बराबर या उसके ऊपर आता है, ये कंडीशन हमारा सही है, तो सही के लिए हम हमेशा इंडिकेट करेंगे वाई से। अगर कंडीशन हमारा सही है तो यहाँ वाई लगाएंगे बिकॉज ट्रू होगा, यानी कंडीशन सही है। जब कंडीशन सही है तो आपको डिस्प्ले क्या कराना है पास, यहां लिखेंगे प्रिंट पास, हो गया। ये पास कब दिखाएगा, जब हमारा मार्क्स 35 से ऊपर होगा, ठीक। जब ये हमारा सही हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप हो गया, लेकिन कह रहा है कि अगर 35 नहीं आया तब क्या होगा, तो यहाँ एक कंडीशन जो है इसमें फिर अगर हमारा दोनों के लिए बनाना है, सही के लिए भी और गलत के लिए दोनों के लिए हमको बनाना है पूछा, तो अगर सही है तो पास दिखाएगा, नो मतलब कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है गलत होता है, हमको 35 नहीं आया हमको 29 ही आ गया तब क्या करेंगे, तो ये नो नो दिया हुआ है, तो यहां आपको डिस्प्ले कराएगा, यहां लिखेंगे प्रिंट, यहां लिखेंगे फेल, तो मैसेज आएगा फेल और फिर ये स्टॉप कर देंगे, यहां अब यहां दोनों चीज के लिए बना है, यहां अगर हमारा जब भी कंडीशन सही होता है तो सही के लिए हमारा पहला वाला जो है सही के लिए प्रिंट करेगा, जैसे यहां क्वेश्चन के अनुसार अगर मार्क्स हमारा 35 से ऊपर है तो पास, अदरवाइज नहीं तो हमारा फेल हो जाएगा, यानी अगर 35 से नंबर कम आएगा तो ये फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है डिसीजन बॉक्स का यूज करके हम कई तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आता है आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं उसको बनाइए और कोशिश करेंगे बनाने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे आप जो है आप मैसेज करेंगे उसको, जैसे आप होमवर्क दिए हैं
कि आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले पॉजिटिव और पॉजिटिव, डिस्प्ले पॉजिटिव नंबर एंड अदरवाइज अदरवाइज नेगेटिव नंबर। यानी कोई नंबर लेंगे और उस नंबर को हम कैसे उसको कंडीशन लगाएंगे कि वह सही होने पे पॉजिटिव दिखाएगा और अदरवाइज नेगेटिव नंबर दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको जो नंबर आप इनपुट करेंगे उसमें आप कंडीशन लगाएंगे तो कब होता है, जब जीरो से आपका ज्यादा होता है तो वह आपका पॉजिटिव होता है और जीरो से कम होता है तो वह नेगेटिव होता है। तो आपको यहाँ कंडीशन लगाना होगा कि कंडीशन हमारा किसे, जो नंबर लेंगे उसके अनुसार आपको कंडीशन लगा